रियलिटी शोज़ में सबका बाप, जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिग बॉस की, जो कि इन दिनों तहलका मचा रहा है। और उसमें मौजूद जो कंटेस्टेंट्स हैं उन सब के बारे में आई एम श्योर आप भी कुछ ऐसी बातें जानना चाहते हैं जो बिग बॉस के घर में शायद आपको नहीं दिख रही हो। सो आज हम बात करने वाले हैं सिद्धार्थ शुक्ला की, शुक्ला जी, और उनके बारे में बात करने के लिए उनकी को स्टार से बेहतर कौन हो सकता है। सो सिद्धार्थ ने जिस शो से अपना डेब्यू किया, छूटे ना आंगन बाबुल का, उसी की को स्टार हमारे साथ है, यानी कि आस्था चौधरी, और उन्हीं से करेंगे हम बातें बिग बॉस के बारे में। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है, एंड कैसे हैं आप? मैं एकदम सही हूँ, आप बताइए। एकदम बढ़िया। और पहली बात तो ये कि जब बिग बॉस के बारे में आपको मालूम चला कि ओके सिद्धार्थ इज गोइंग, तो आपका क्या रिएक्शन था? मैंने सबसे पहले उसे मैसेज किया और एक लाइन लिखी, अपने गुस्सा कंट्रोल में रखना। तो बोलता है जी मैडम। सो कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि सिद्धार्थ जो है थोड़े से हाई टेम्पर है, उसको है थोड़ा, आई थिंक वो उसमें है थोड़ा सा गुस्सा है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो बहुत वैलिड पॉइंट पे अपना गुस्सा कर रहा होता है, तो आई थिंक वो उस पर कुछ गलत नहीं है। सो सिद्धार्थ की अगर हम बात करें तो बैक टू बैक उन्होंने कई सारे शोज़ किए हैं, बालिका वधू के कलेक्टर साहब से उनको और भी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, उसके बाद में लास्ट दिल से दिल तक जिसमें रश्मि देसाई और वो साथ में थे। सो शुरू से शुरुआत करते हैं, जब से दोनों घर में गए हैं दोनों की बिल्कुल नहीं बन रही है, सो आखिर माजरा है क्या? देखिए, मैंने कभी सिद्धार्थ से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत पूछा नहीं है कि क्या इशू है, पर जो मुझे ऐसा लगा कि एक्टर्स के ऐसे रूमर्स होते ही रहते हैं, जब आप एक शो कर रहे होते हैं तो आपके को एक्टर्स के साथ में आपका लिंकअप होता है, आपकी झगड़ों की खबरें आती हैं, तो बहुत नॉर्मल चीज़ है। उनका था नहीं था ये तो वो दोनों ही जानते हैं, बट हाँ मुझे जो ऐसा लगता है अभी बिग बॉस के अंदर के घर का जो सीन है, मुझे ऐसा लगता है एक पास्ट बैगेज लेके दोनों घर के अंदर एंटर, स्पेशली रश्मि, क्योंकि वो बिना वजह हर बात पे लड़ाई करना ना बहुत बहुत बच्चों वाली हरकत लगती है मुझे तो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि सिद्धार्थ खुद भी थोड़ी सी टांग अड़ा रहे होते हैं? कोई और अगर किसी और बारे में बात कर रहा है तो सिद्धार्थ जाके बोलेंगे क्या मेरे बारे में बोला, ऐसा कुछ आपको लगता है कि हो रहा है? मैंने कुछ कुछ एपिसोड्स में देखा था, मैंने सिद्धार्थ का तो नहीं, बट हाँ मैंने रश्मि का मुझे ऐसा अजीब लगा था, क्योंकि सिद्धार्थ एक्चुअली वो उससे बात नहीं कर रहा था, पर शी थॉट वो उसको ही बोल रहा है, एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग, मतलब फॉर नो रीज़न। तो पर हाँ दोनों का लाइक आई सेड कि एक कोई बैगेज लेके वो साथ में आए, और वो अपने डिफरेंसेस ख़त्म ही नहीं कर रहे हैं, उनका वो झगड़ा चले ही जा रहा है और कोई रीज़न भी नहीं है। वैसे दोनों का ये कहना है कि हम दोनों का जो मैटर है उन्हें तुम प्लीज़ साइड में रखो, एंड लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, एंड हम दोनों एक दूसरे से ही बात करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आरती बहुत कोशिश कर रही थी बीच में कि तुम दोनों का जो भी सॉर्ट करो ना, और उस पर रश्मि भड़क रही थी कि यार मैं उससे डायरेक्ट बात कर सकती हूँ। सो ये आपको लगता है मुद्दा जो इन दोनों का है वो सॉल्व हो सकता है या ये चलता ही रहने वाला है? मुझे ऐसा लगता है उन्हें कर लेना चाहिए। आरती इसलिए ट्राई कर रही थी क्योंकि आरती वॉज क्लोज टू रश्मि देसाई, एंड आरती सिद्धार्थ की भी दोस्त है, वो इन दोनों का एक कॉमन लिंक थी। तो अभी जिस हिसाब से इनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो आरती ने अपनी साइड से कोशिश कर ली, पर वो दोनों नहीं सुन रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है इनको ख़त्म करना चाहिए, इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। अब दुनिया से दूर एक घर के अंदर लॉकड हो, अपनी जो प्रॉब्लम है ख़त्म करके बाहर निकलो, एक फ्रेश शुरुआत करो। वैसे जब तक सिद्धार्थ और रश्मि का जो झगड़ा चल रहा था, तब तक काफ़ी लाइमलाइट में रश्मि भी थी, और सिद्धार्थ तो शुरू से ही हैं, और जब से अरहान गए हैं तब से सिद्धार्थ से थोड़ा सा साइड ले लिया रश्मि ने, ऐसा हम देख रहे हैं। तो अब सिद्धार्थ शुक्ला की अगर बात करें तो कैसे हैं वो, कैसा है उनका नेचर, कैसी है पर्सनैलिटी, क्योंकि आपने उनके साथ पहला शो किया है, उनका डेब्यू शो, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस दैट टाइम, और तब से अब तक में आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? सिद्धार्थ को मैं जानती हूँ 2008 से, ऑलमोस्ट 11 साल हो चुके हैं हम एक दूसरे को जानते हुए। सिद्धार्थ इज़ अ वेरी फन लविंग गाय, वो बहुत मस्ती खो रहे हैं सेट पर, वो मस्ती करेगा, काम करेगा, एंड जब तक अगर मैं बोलूँ कि उसके गुस्से की बात है तो गुस्सा है उसके अंदर, वो आप उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हो। पर बाकी जैसे मैंने जब जब भी उसके बारे में कुछ भी ऐसा सुना है, सो मैं उस चीज़ से अग्री नहीं कर पाती हूँ। इज़ अ वेरी फन लविंग गाय, इनफैक्ट मैं सबको बोलती हूँ कि एज ए फ्रेंड सिद्धार्थ ना बहुत सही बंदा है, मतलब बहुत मस्ती खो रहा है, और इनफैक्ट वो बहुत केयरिंग भी है, बिकॉज मुझे याद है कुछ कुछ इंसिडेंट्स हमारे शो के, जहाँ पे सिद्धार्थ ने मतलब अपने को एक्टर्स के लिए स्टैंड लिया है, मतलब मेरे लिए लिए हुए हैं उसने, तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है। तो मेरे लिए तो मतलब है ना, आई कैन से कि हाँ ही इज़ स्पेशल, क्योंकि ही इज़ माई फर्स्ट हीरो। वैसे सॉफ्ट हार्टेड सिद्धार्थ हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि सना पहले उनसे झगड़ती है, फिर उनके पास आती है, सॉरी कहती है, तो व्हाट इज दैट केमिस्ट्री? मुझे वो दोनों बहुत क्यूट लगते हैं साथ में, मतलब जब उनकी झगड़ हुई थी पर्सनली मुझे ख़राब लग रहा था कि क्यों झगड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी वो जो हल्की फुल्की मस्ती चलती रहती ना, तो वो एक डिफरेंट फ्लेवर है बिग बॉस में, क्योंकि इतना टेंशन भरे माहौल में
एक फ़नी सा एक साइड देखने को मिल रहा है, तो मज़ा आता है उनको देख के. तो आई रियली विश वो उन लोगों का ठीक से चले, क्योंकि उनकी लड़ाई हो गई थी बीच में, विच आई डेंट लाइक. और वो साथ में क्यूट लग रहा है, अच्छा, मतलब एक ना अच्छी क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं दोस्ती का. ओके, सो सना और सिद्धार्थ के बीच में दोस्ती तो है, लेकिन कहना कि इनकी दोस्ती से आसिम और सिद्धार्थ की जो दोस्ती है उसमें थोड़ी सी दरारें आ रही है. क्योंकि आई थिंक आसिम अपनी जगह सही बोल रहा है, क्योंकि बीच में ऐसा टाइम था जब सना इस ग्रुप से फ्लिप करके दूसरे ग्रुप में चली गई थी, तो आसिम को ऐसा लगता है कि शी इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी. तो वही चीज़ उसने सिद्धार्थ को भी बोली, पर अपना सिद्धार्थ का एक अलग टेक है. ये जो तीनों चारों जो हैं, इन लोगों का ग्रुप जो है वो साथ में अच्छे लगते हैं. आई होप ये लोग भी रियलाइज़ करते हुए चीज़ें. तो जो भी आसिम और सिद्धार्थ के भी डिफरेंसेस हैं, आई रियली विश कि वो ठीक हो जाएं, क्योंकि वो उनका जो ब्रो कोड वाला जो है ना एक फील, वो बहुत अच्छा है. लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो हो रहा है कि सिद्धार्थ थोड़ा सा ओवर शैडो कर देते हैं आसिम को. ये बोलते तू रहने, तू मत बोल, लेकिन उसमें आसिम का पॉइंट भी तो सही है कि मैं भी तो कहने ही आया हूँ. सिद्धार्थ की जो पर्सनालिटी है ना, वो थोड़ा सा वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है. और जो आसिम के साथ जो मुझे उसका कनेक्शन लगता है ना, वो आसिम को अपने छोटे भाई के जैसा करता है. तो आई थिंक वही वो उन दोनों में हो रहा है, कि उधर एक बड़ा भाई होता है कि हाँ तुझे नहीं पता मैं कर लेता हूँ, वो उसके साथ में वही चीज़ हो रही है. तो उसको लगता है कि हाँ ये बच्चा है, एंड आई थिंक मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ. पर उनको शायद ये भूल जाते हैं कि बिग बॉस का घर है, रियल लाइफ नहीं है. सो यू टू फील लाइक कि सिद्धार्थ कहीं ना कहीं थोड़े से यू नो ओवर शैडो करते हैं सबको, या फिर मतलब that's वो है उसकी पर्सनैलिटी ऐसी कि वो कहीं पर भी होगा वो ओवर शैडो कर ही लेता है एक्चुअली क्योंकि वो कहीं ना कहीं आरती को भी बोलने से रोक देता है, मतलब वो. पर ये इट्स नॉट हिज फॉल्ट, जो लोग उसकी सुन रहे हैं, और वो तो उनको सोचना चाहिए ना. वो ऐसा है कि उसका है, वो ऐसा दबंग लड़के नहीं होते कि हाँ बॉस मैं ही हूँ जो भी हूँ. मैं कह, वो उसमें लीडरशिप है, वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, तो उसका वो ऐसा ही चलता है. और शायद यही कहना कहीं रीज़न होता है कि जो उनके करीबी हैं वो उनसे दूर हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा जो लीडरशिप होता है वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को ऐसा लगता है कि हुक्म चलाया जा रहा है. पता है, अगर कोई सिद्धार्थ को अच्छे से जान लेना तो उसका ये वाला साइड वो समझ जाएगा, कि वो लड़का जितना स्ट्रांग दिखता है ना, वो दिल का है ना, कहीं ना कहीं थोड़ा है, नरम दिल का वो आदमी है. पर हाँ, जैसे अगर उसको कोई जानता नहीं है पर्सनली, या आप बहुत कम टाइम से उसको जानते, तो आपको लगेगा कि यार ये मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है. पर ये वो ऐसा ही है, आप जैसे जैसे उसको जानोगे तो आप उसको ये चीज़ भी आप एक्सेप्ट कर लोगे. तो ऐसा कहना कहीं लग रहा है कि जान पहचान ज़्यादा हो रही है देवोलीना और सिद्धार्थ की. मैंने वो क्लिप देखी तो मुझे खुद को इतनी हंसी आ रही थी कि ये क्या भी बकवास है. क्योंकि एक एपिसोड पहले देवो उसको पोक कर रही है, वो खाना खा रहा है बेचारा शांति से, उसको जाके पोक कर रही है. नेक्स्ट उसमें दिखा रहे हैं वो उसे रोमांस कर रही है ना, इट वाज सो फनी. तो पता नहीं वो क्या है, वो तो आगे वाले एपिसोड में पता चलेगा एक्चुअल में क्या हो रहा है. लेकिन क्या आपको देवोलीना भी एंटरटेन करते हुए नजर आ रही, क्योंकि फुल ऑन दोनों का आँखों में चालू है. अच्छा है वो लोग ऐसा कर रहे हैं, पता है, क्योंकि अभी तक ऐसा होता था कि जितने एपिसोड देखते थे ना, रश्मि देवो और रानी, इनका ग्रुप होता था हमेशा सिर्फ गॉसिप बिचिंग करते थे. और ऑन द अदर हैंड ये लोग जो थे सिद्धार्थ वाला ग्रुप है ना, ये कुछ ना कुछ मस्ती करते रहते हैं, छेड़खानी करेंगे, बकवासे करेंगे, मे बी अपनी पुरानी बातें कर रहे होंगे, तो इनके पास टॉपिक होते थे. पर अच्छा समय इसमें आपको मैं कट करूँगी, क्योंकि हमारी सिद्धार्थ डे से भी बात हुई थी जो कि ऑपोजिट ग्रुप वाले थे, और उनका ये कहना था कि हम लोग भी मस्तियाँ करते हैं पर दिखाते क्यों नहीं है, हम भी तो मस्ती करते हैं लेकिन वाई देयर शोइंग. हम तो वही बोलेंगे, हमें नहीं दिख रहा उनकी मस्ती. अगर उनकी मस्ती भी हो रही होती तो हो सकता है सिद्धार्थ मस्ती में कुछ बकवास बातें, जो तो उनकी आदत ही थी, जो उनको कंट्रोल तो था ही नहीं डबल मीनिंग बातें करने का, इसलिए वो एडिट होता होगा. तो मस्ती करते रहे होंगे पर वो एडिट हो जाता था. माहिरा के लिए आप क्या कहोगे, कभी वो गुस्सा हो जाती है, गिर जाती है. सो आपको भी लगता है कि कहना कि माहिरा को बीच में नहीं आना था, या फिर दैट वाज जस्ट बाय मिस्टेक हैपेंड, या फिर सिद्धार्थ की कहना कहीं मिस्टेक थी कि लड़की है छोड़ दे. सी वो टास्क है और वहाँ पे लड़का लड़की जैसा कुछ है नहीं. मैंने वो जब मैंने ऐसे सुना कि ऐसा हुआ है, मैंने वो बैठ के वो एपिसोड देखा था. मुझे देखना था ऐसा इसने क्या कर दिया जो इतना बवाल हुआ है. उसमें बहुत क्लियरली वो दिख रहा है कि वो बॉक्स को दोनों अपनी तरफ खींच रहे हैं, एंड थोड़ा ऑब्वियसली सिद्धार्थ पावरफुल है, उसने पुल किया, उसने पर्पसली माहिरा को पुश नहीं किया था, तो वो खींचा डब्बा और वो गिर गई. अब उस बात का आई अंडरस्टैंड लड़की आपको लग गई है, पर आप ब्लेम नहीं कर सकती कि उसने मुझे जान के धक्का मारा. वो थोड़ा सा मुझे अननेसेसरी लगा, वो ऐसा लग रहा था कि जानबूझ के आप उसको बोल रहे हो. हाँ
ओके एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट कि हर कोई घर में सिद्धार्थ को ही टारगेट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो है कि हर बार सिद्धार्थ हर किसी से भिड़ता है, वो शैडो करता है है भाई वो राजा जी है, उनका कुछ नहीं हो सकता. पर कई बार ऐसा मैंने देखा है पर्सनली, तब नॉट मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मैं उसको जानती हूँ इसलिए मैं बोल रही हूँ, पर कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं कुछ कर रहा होता है और लोगों को लगता है कि वो मतलब उसको बिना वजह आप उंगली करोगे, अननेसेसरी कमेंट्स करोगे. तो जिस सिद्धार्थ को मैं जानती हूँ ना, वो चुप नहीं रह सकता, वो नहीं रहेगा, उसको ऐसा नहीं कि मुझको कैसे बोला. तो वो सही भी है, आप क्यों किसी की यू नो सुन के लो. कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि मुझको क्यों नहीं बोला. नहीं, आई डोंट थिंक सो. पर मैंने वो एपिसोड देखा था जिसमें सलमान जी ने बोला था कि इतने हफ्तों से आपके पास मुद्दा एक ही क्यों होता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सिद्धार्थ को अपने आप को टोन डाउन करना चाहिए और बाकी लोगों को और कुछ भी करना चाहिए इसके अलावा भी. ऐसे घर में सबसे ज़्यादा झगड़े खाने को लेकर हो रहे हैं, तो वो जो कभी रोटी मोटी कभी रोटी मोटी या छोटी, सो इस बार अंडे को लेके, रोटी को लेके, सब्जियों को लेके, चॉपिंग को लेके, सो क्या कहेंगे उसके लिए. ये तो बिग बॉस में हर साल ही होता है. सबसे बड़ा जो पॉलिटिक्स का केंद्र है वो किचन है. मतलब इनफैक्ट बोला जाता है कि जो किचन में होगा वो सबसे ज़्यादा दिखेगा. ये रियलिटी है क्योंकि किचन ही एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं, उस वजह से झगड़े होते हैं, राशन की कमी है. और एक और चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, जो बिग बॉस में कोई जाता है ना पतला होकर बाहर आता है, ये रियलिटी का भी देखना, आप जब वो बाहर निकलेंगे ना थोड़े से फिट होकर आ जाता है क्योंकि खाना नहीं है शायद वहाँ पर, कम है, लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेज है. तो कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे उनका भी फ्रस्ट्रेशन है क्योंकि इन सब में से आई एम श्योर किसी को भी इतना काम करने की आदत नहीं है. इस घर में आपको बाथरूम क्लीन करने से लेके झाड़ू पोछा खाना सब खुद करना पड़ा है, ये फ्रस्ट्रेटिंग है. लेकिन अब इसी में हम घर की ड्यूटीज़ की बात करें तो सिद्धार्थ हमेशा होते हैं मैं चॉपिंग करूँगा और कुछ उससे, नहीं उससे खाना बनवाएगा, खाएगा कौन, उसको नहीं आता खाना बनाना ना. तो आप एटलीस्ट वो बेसिक चीज़ है खाना उससे बनवाओगे जो अच्छा बनाएगा. डोंट यू थिंक सिद्धार्थ थोड़ा सा स्मार्ट प्ले करता है कि चलो आप मुझे कट करके दिखाओ. कर रहा है, बहुत बड़ा है, अदरवाइज मतलब वो पानी भी गर्म नहीं कर सकता है. मतलब वो चॉपिंग कर रहा है, ये तो उसकी मम्मी को देख के खुशी हो रही होगी अभी कि एटलीस्ट वो किचन में तो घुस रहा है. मतलब वो लड़का खाना लेने के अलावा उसको नहीं आता कुछ भी, तो वो होता है ना नहीं आता उसमें कुछ, वो नहीं है, पर एटलीस्ट वो एटलीस्ट ही इज ट्राइंग. तो चलिए तीन ऐसी बातें बताइए जो आपको सिद्धार्थ शुक्ला की थोड़ी सी पसंद नहीं आ रही. जो पसंद नहीं आ रही हैं, एक मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उसको कभी कभी मैंने एक दो बार देखा, जैसे फॉर एग्जांपल आसिम उसके पास आके बात करने की कोशिश कर रहा है तो वो सुन नहीं रहा है. उसको एक बार है कि आपको अपना जो टेक देना दो, आपका जो एक है उस चीज़ को लेके व्यू रखो, पर इटली जो सामने वाला बोल रहा है ना उसको सुनो अच्छे से. और थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि अग्रेशन ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा टोन डाउन कर लेना चाहिए क्योंकि वो कई बार टीवी पे देखने में ना अच्छा नहीं लगता है. और जिन लोगों लड़कियों से खासतौर पे आपको पता है कि आपके इश्यूज हैं, आप उनके पास ही मत जाओ. वो ज़्यादा बेटर है, आप उनसे दूर रहो ज़्यादा अच्छा है. कहीं ना कहीं वो चीज़ें उसको प्रोवोक करती हैं और वो अननेसेसरी झगड़े में बदल जाती हैं. There are three things. Aggression control करो. I think मुझे बोलना चाहिए aggression and aggression. Three things. Okay, और वो तीन कौन सी चीज़ें हैं जो सिद्धार्थ की आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? एक तो फनी है और दूसरा एज ए फ्रेंड वो आपके लिए स्टैंड लेता है हमेशा. मतलब जो भी उसके क्लोज फ्रेंड सर्किल में वो सब ये जानते होंगे कि वो अगर सिद्धार्थ है तो वो आपके लिए आएगा. क्योंकि आई रिमेम्बर एक बार मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी वाइल बाबुल कांगन छूटे ना, तो इसका पैकअप ना लेट हुआ था. ये बंदा हॉस्पिटल में विजिटिंग आवर्स के बाद लोगों को ब्राइब करके मिलने के लिए आया था. तो ये ऐसी वाली भी हरकतें करता है. एंड थर्ड थिंग जो उसकी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, जिसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, वो अपनी मम्मी को बहुत रिस्पेक्ट करता है. मतलब ही इज़ वेरी क्लोज टू हिज मदर. और मतलब जिसके लिए मैं जेन्युइनली उसको बोलती हूँ कि हाँ चलो आज के टाइम में, क्योंकि बच्चे ऐसे होते ही नहीं, पेरेंट्स को बहुत ग्रांटेड देते हैं, वो नहीं करता. वो मतलब ऐसा कि मम्मी उसकी जान है. सो सिद्धार्थ के बारे में तो आप काफ़ी कुछ जानती हैं, इसलिए आपने बहुत सारी बातें की, लेकिन जो घर वालों को आप देख रही हैं क्योंकि और यू नो थरली फॉलोइंग बिग बॉस, सो चलिए उनके बारे में जानते हैं आपकी क्या है राय. सो हम लेंगे एक एक का नाम और आपसे जानेंगे कि क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें. सो सिद्धार्थ के बाद चलिए आते हैं उनकी वन ऑफ द एक्स गर्लफ्रेंड शेफाली जारीवाला पे. ओ आई फाइंड अ वेरी प्रिटी. मुझे वो बहुत खूबसूरत लगती हैं और बहुत रिस्पॉन्सिबल लगती हैं. मतलब आई लाइक हर. घर में जिस तरह वो खेल रही हैं, थोड़ा सा बॉसी लग रहा है या कैसी लग रही है? आई थिंक उसकी वो जो बॉसी वाली हमें अगर हमें लग रहा है तो वो कैप्टन थी उस वीक, तो वो तो उसको करना ही पड़ेगा, वैसे ही नहीं सुनते ये लोग तो. पर वो अच्छा खेल रही है, मतलब वो जेन्युइनली अच्छा कर रही है घर के अंदर.
ओके okay, इसके बाद सिद्धार्थ का जिसके साथ नाम जुड़ा था स्टार्टिंग में आरती सिंह आर्टिकल्स इन ऑल केम तो आरती के लिए क्या कहेंगे आप? अरे शी इज़ अ वंडरफुल पर्सन, मतलब वो मेरी भी दोस्त है और मुझे ऐसा लगता है जितनी आरती स्ट्रांग है ना कहीं यहाँ पे वो इतनी स्ट्रांग नहीं दिख रही है जितनी वो घर के बाहर है. वो बहुत स्ट्रांग बंदी है, वंडरफुल पर्सन, पर यहाँ कई बार ऐसा हो जाता है कि वो चुप हो जाए, मतलब चुप आई एम नॉट सेइंग कि वो लड़ाई करे, पर जितनी वो स्ट्रांग है ना वो लग नहीं रही है यहाँ पे समहाउ. ओके एक वो जिनके साथ बहुत सारे झगड़े चल रहे हैं, रश्मि देसाई. मुझे एज एन एक्टर वो बहुत पसंद है, मतलब आई रियली रियली लाइक हर वो, पर यहाँ पे वो झगड़ा करिए वो नहीं अच्छा लग रहा है. सो अगला नाम है उनका जिनके साथ आजकल नई नई केमिस्ट्री बिल्डअप हो रही है, रोमांस हो रहा है. सो देबोलीना, शी इज़ फनी, शी इज़ फनी, मतलब और क्रिएटिंग फन इन द हाउस, हाँ एटलीस्ट कुछ कर रही है, इंटरेस्टिंग अलग कर रही है तो अच्छा है, होना चाहिए. ओके क्यूट बेबी ऑफ द हाउस सना. सना वो कभी कभी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, कभी कभी मुझे सच में मुझे सवाल आता है कि ये सच में इतनी दम है या फिर यू नो ये एक्ट कर रही है, पर खूबसूरत लड़की है और अच्छी लगती है जब सिद्धार्थ से मस्ती करती है. लेकिन सना जिन्होंने शुरू में मस्ती करना शुरू की थी पारस से, तो पारस के लिए आप क्या कहेंगी? पता नहीं, पारस का तो मुझे समझ में थोड़ा कम आता है, मतलब आई डोंट नो हिम पर्सनली, तो मैं उसके बारे में वैसे व्यू नहीं देख पाऊँगी, पर घर में देख के ना मुझे ऐसा लगता है कि ये क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है ऐसा, मतलब होता है ना कि किसी भी बात पे कुछ भी लड़ाई शुरू कर देता है और इसको जाके कुछ बोलना, इसको जाके कुछ बोलना, तो वो थोड़ा सा ना अजीब गेम खेलता है कई बार. ओके पारस के साथ साथ जिनका आजकल वो साथ दे रहे हैं माहिरा, तो माहिरा के लिए क्या कहेंगे आप? माहिरा की आवाज़ मुझे नहीं अच्छी लगती, मतलब वो जब बोलती है ऐसा लगता है कि थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाए, सॉरी माहिरा, बट मतलब वो ऐसा लगता है कि प्लीज़ कुछ चुप करा दो. फिर माहिरा ने जिन्हें घर में आते से ही भाई बना लिया था आसिम. हाँ, मतलब एक तो पर्सनली मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो है ना सेफ खेलने के लिए ना बहन भाई बनाने थे, क्यों, मतलब आपको खुद पे भरोसा नहीं है क्या? आपको मतलब आप आए हो फर्स्ट डे एंड आपको भाई भाई बहुत मतलब खूबसूरत एक बॉन्ड है, आप ऐसे किसी रैंडम को भाई नहीं बोल सकते, तो मुझे तो ऐसे लोग ही मतलब अजीब लगते हैं कि भाई क्यों बनाना है. तो उस भाई की बात करते हैं, आसिम, बड़े मियाँ छोटे मियाँ आजकल सिद्धार्थ और आसिम. हमारा अंग्रेज़ आसिम जो है पर वो जो उसका और सिद्धार्थ का जो है ना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, वो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है, वो एकदम ना बड़ा भाई छोटा भाई वैसा वाला है, तो वो लड़ते भी हैं, पर आसिम की एक चीज़ है जो मतलब मैं दिल से तारीफ़ करती हूँ कि जितनी बार भी झगड़े हुए ना आसिम में आके है ना, मतलब एक होता है ना छोटा भाई नहीं होता कि हाँ भैया ये हो गया है इसको सॉर्ट करो, उसने हमेशा पहल की है वो, जो कि अच्छी चीज़ है, क्योंकि सिद्धार्थ ऐसा है कि कई बार वो शायद नहीं करेगा तो वो चीज़ें ख़राब हो सकती है, पर आसिम हमेशा करता है तो वो अच्छी चीज़ है उसकी. आसिम के बाद घर में एक और एंटरटेनर है भाऊ, जो फुल एंटरटेन करते हैं लोगों को. सो भाऊ जिन्होंने घर में एंट्री ली अभी अभी, उनके लिए क्या कहेंगे आप? यू नो जब भाऊ आए थे तो मुझे पता नहीं था भाऊ, मतलब मैंने कहीं तो पढ़ा था कि हमेशा मैं ना मीम्स पेजेस बहुत फॉलो करती हूँ, तो हमेशा उसकी फ़ोटो दिखती थी, मैं कौन है ये इंसान. देन मैंने उनका एक दो वीडियो देखा एंड आई डेंट लाइक इट, मतलब वो इतना ख़राब वीडियो था, इतनी गाली गलौज थी, तो शुरू में तो मुझे लगा था क्यों आए हैं घर पे, मतलब आप क्या मैसेज दे रहे हो, पर जो भाव घर के अंदर हैं वो तो बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है, तो वो तो है ही नहीं जो बाहर वाला है, तो उसको देख के मज़ा आ रहा है, वो जो मुंबईया लैंग्वेज में मस्ती करता रहता है तो वो एंटरटेनिंग है. तो इनफैक्ट जब वो आए थे तो उस टाइम बहुत टेंशन का माहौल था घर के अंदर, वो आए थे तो एकदम स्पार्क आ गई थी घर में, तो इज़ गुड. साथ ही में अरान खान द लंबे गाय. अरहान को मैं वैसे जानती हूँ, मतलब वी हैव मेनी कॉमन फ्रेंड्स बट ही इज़ नॉट अ फ्रेंड फ्रेंड, पर अरहान जब आए थे तो फर्स्ट डे ऐसा लग रहा था कि वो बाहर से सोच के आया है कि मुझे आज जाना है और मुझे सिद्धार्थ से लड़ाई करनी है, रीज़न क्या है वो उसको भी नहीं पता, बस मुझे लड़ाई करनी है, तो वो बहुत स्टूपिड लग रहा था स्क्रीन पर ना, से देखने में रहा था कि क्यों लड़ रहा है यार, मतलब कुछ हो तो वैलिड रीज़न, तो बस आप लड़ रहे हो. एक जो दूसरी चीज़ है मेरे को पूछनी है, वो हर बार चश्मा क्यों लगा के रखते हैं घर के अंदर, मतलब यार बिग बॉस के घर में धूप नहीं है, वो चश्मा लगा के ऐसे था कि क्यों लगाया हुआ है. वो देखेगा तो मुझे बोलेगा कि क्या बकवास है. वैसे एक और जो इन दिनों बड़ी चुप चुप सी है, नज़र ही नहीं आ रही है, हिमांशी. जब वो आई थी मुझे उस लड़की से वाइब्स बहुत अच्छी आई हैं, मतलब मतलब काम कंपोज सी लड़की है, खूबसूरत है, वेरी प्रिटी गर्ल, तो पर हाँ एग्जैक्टली वो दिखाई नहीं दे रही है कुछ, क्योंकि वो ना वो झगड़े में आती हैं ना वो गॉसिप करती है, किचन के भी नहीं दिखती हैं, जो सबसे ज़्यादा दिखता है वहाँ पे भी वो नहीं होती हैं, टास्क में भी इतना ज़्यादा विजिबल नहीं है, तो और एंटरटेनिंग भी वो इतना नहीं हो पा रही हैं, तो हाँ वो दिख नहीं रही हैं. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जिन्होंने रिसेंटली घर में एंट्री ली और आते ही तहलका मचाया है, विशाल आदित्य सिंह.
तो उससे बहुत होप्स हैं कि क्योंकि मुझे नहीं, आई थिंक हर किसी को है, क्योंकि सब लोगों को लग रहा था कि हाँ कुछ थोड़ा स्ट्रॉन्ग सा आया है, पर वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है, मतलब उसको समझ में हाँ अभी आया है, तो लेट्स सी वो कैसा खेलता है. पर मुझे ऐसा लगता है कि इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब अच्छा है वो, और फिनाले तक जाना चाहिए. मुझे मतलब लगता है कि हाँ वो है उसके अंदर वो थोड़ा सा. तो अब आप ही बता दीजिए कि आपके हिसाब से वो कौन से 5 कॉन्टेस्टेंट है जिनके पूरे पूरे चांसेस हैं कि ये फिनाले में जा सकते हैं. टॉप 5 तो ऑब्वियसली सिद्धार्थ, देन नासिम को देखना चाहूँगी क्योंकि अच्छा खेला है वो, देन मैं देखना तो रश्मि को भी चाहती हूँ, रश्मि भी जानी चाहिए. उसके अलावा मैं विशाल को देखना चाहती हूँ और आरती डेफिनेटली की दोस्त है. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि इस बार बिग बॉस के घर में कौन क्या करता है. ये तो आई एम श्योर आप लोग फॉलो कर ही रहे हैं, एंड हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको उन सब के बारे में बताने की, वो बातें जो आप घर के अंदर नहीं देख पा रहे. जैसे आस्था ने हमें काफ़ी सारी बातें बताई सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में. तो चलिए अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को आप भी वोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, और देखते रहिए आपका फेवरेट शो सास बहू और बेटियाँ. कैमरा पर्सन आलोक के साथ श्रुति बड़जात्या, मुंबई आज तक.